यमुनानगर में पुलिस ने ऐसे मनचलों को पकड़ा है जो गर्ल्स कॉलेज के आसपास काफी समय से चक्कर लगा रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो मनचलों ने पुलिस की गाड़ी को ही टक्कर मार दी और पुलिस से भिड़ गए। ये वही लाल रंग की स्कॉडा गाड़ी है जिसमें कुछ मनचले सवार थे, लेकिन अब वो पुलिस के हिरासत में हैं। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ मनचले लाल रंग की स्कॉडा कार में लंबे वक्त से गर्ल्स कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं। जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो भागने लगे, लेकिन भागने के चक्कर में उन्होंने पुलिस की गाड़ी को ही टक्कर मार दी। लेकिन पुलिस ने अपनी मुस्तैदी नहीं छोड़ी और मनचलों को पीछा करती हुई कुछ ही दूरी पर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने कुछ मनचलों को तो मौके पर ही पकड़ लिया, लेकिन कुछ भागने में भी कामयाब रहे। अब पुलिस उन्हीं मनचलों की तलाश कर रही है। कुछ लड़के खालसा कॉलेज में आउटसाइडर्स थे, हू हल्ला कर रहे थे। सूचना मिली जिस पे पुलिस तुरंत पहुंची और काबू करके लाए। अभी पूछताछ चल रही है किस उद्देश्य से ये कॉलेज में इंटर हुए थे और क्या इनकी मंशा थी, वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लड़के और भी इनके साथ के थे, उनके लिए हम दर्ज कर रहे हैं। कितने थे टोटल सर जो अभी? ये 5 लड़के हैं। एक जगह और एक गाड़ी थी स्कॉडा लाल रंग की, जिसकी सूचना मिली थी कुछ आवारा किस्म के लड़के घूम रहे हैं कॉलेज के गेट के बाहर। उनको भी काबू किया, उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो रोकने की जब कोशिश की जा रही थी तो ये एकदम से हड़बड़ाहट में इन्होंने टक्कर मार दी। दरअसल जिस रोड पर मनचले आवारा युवकों वाली हरकत कर रहे थे उसके आसपास कई गर्ल्स कॉलेज हैं। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए युवक किसी दूसरे कॉलेज के छात्र हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि ऐसे मनचलों को पुलिस ने सबक सिखाया है। इससे पहले भी यहां विशेष अभियान चला चुकी है, लेकिन मनचले अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आते। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।